खबर बरेली से है। 119 मीरगंज विधानसभा से भाजपा विधायक डॉक्टर डीके वर्मा ने विकास कार्यों की जानकारी। 119 विधानसभा मीरगंज से नवनिर्वाचित भाजपा के विधायक डॉक्टर डीके शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाने के कारण विकास के कई कार्य पहले ही पास हो चुके थे। अब दोबारा विधायक बनने के बाद प्रस्तावित कार्यों का भूमि पूजन जल्द ही करके निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी नेशनल 24 हाईवे से मीरापुर को जाने वाली मार्ग का निर्माण 3,60,00,000 रुपए की लागत से होगा। वहीं पर धनेटा शीशगढ़ रोड से लिंक मार्ग सहोड़ा हल्दी सीहोर सिरौली मार्ग का 14,00,00,000 रुपए की लागत से भूमि पूजन करने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। रोड गणेशपुर से राजमोहनपुर को जाने वाला मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं पर उन्होंने बताया कि मीरगंज विधानसभा में 10 विद्युत उपकेंद्र स्थापित कर अमीर विधानसभा की बिजली की किल्लत से हमेशा के लिए छुटकारा बहुत जल्दी दिलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मीरगंज विधानसभा में 3 रेलवे स्टेशनों पर फ्लाईओवर बनाने का काम किया जाएगा। सिनौली धनेटा एवं भटौरा रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर पुल बनाए जाएंगे। विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा ने कहा कि मिनिंग जनसभा में बिजली सड़क और पुलों की समस्याओं को जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा।